हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव टू जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज की जब हम ये सारी डिस्कशन कर रहे थे विद रेफरेंस टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान में आप कह लें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड कमीशन हैज बिन इस्टेब्लिश टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर और इसी रेफरेंस में नाइनटीन में एक न्यू राउंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूसड और उसके साथ साथ यहाँ पे पीपल वर्क्स प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वर आल्सो इनिशिएटेड और इन सब का भी ऑब्जेक्टिव क्या था टू इनक्रीज दी ऑफ स्मॉल होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फिर उसके साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फिर यहाँ पे आप कह लें पब्लिक इन्वेस्टमेंट की गई टू प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड सर्विसेज लेकिन इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ की तो सेक्टर ग्रो एट देन टू परसेंट ग्रो एट रेट ऑफ वन परसेंट एप कहें पाकिस्तान की नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एस्टेब्लिश फूड सेल्फ सफिशेंसी एज ए नेशनल पॉलिसी जो नेशनल प्रियोरिटी थी वो सिर्फ ये थी कि देर शुड बी फूड सेल्फ सफिशंसी और उसके साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चरल प्राइसिस इम्पोर्ट एंड प्राइस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड फॉर द इम्पोर्ट सब्सिट्यूटिंग क्रॉप फिर इसी पैटर्न पे वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड इन 1991 जिसमें आप कह लें इंडस रिवर वाटर की एलोकेशन की गई अमंग

और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च रिप्लेस द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फिर इसी तरह इन में पाकिस्तान विजन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव का जो पिलर फोर था इट फोकस वाटर एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी और ये सब किस चीज से रिलेट कर रहा था एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फिर प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर पैकेज ऑफ ट्वेंटी फिफ्टीन एक किसान पैकेज के साथ अगेन ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रमोट द रूरल सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान और रीसेंट पास्ट में आप कह लें 2019 में देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट राइस एंड शुगर केन हां जी जो आपके पास ऑयल सीड्स था इसकी आप कह लें प्रोडक्शन एनहांस करना था फिर आपके जो पास्ट वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना थ्रू थ्रू लाइनिंग ऑफ द वाटर कोर्सेस और जो आपके पास वाटर कन्वर्सेशन थी उसके लिए एक्टिविटीज कैरी आउट करना था इन एरियाज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो आपके पास कमांड एरिया था फॉर स्मॉल एंड मिनी डैम्स इन बरानी एरिया उसको भी इनहांस करना था फिर ये यानी ये ये जो डिफरेंट आपके पास हमने प्रोग्राम्स लिस्ट किए हुए जिस का ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रमोट द रूरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान फिर इन 2020 में एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अगेन ऑब्जेक्टिव क्या था टू ब्रिज द यील्ड गैप क्या जी जो हमारे पास एक यील्ड गैप है बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एट पाकिस्तान एंड एट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उसके लिए रिक्वायर क्या था देर इज अ नीड ऑफ सीड सेक्टर रिफॉर्म्स फिर यहां पे आप कह लें जो इनपुट्स पे सब्सिडी थी उसमें डिजिटल सब्सिडी अनाउंस आप कह लें इंट्रोड्यूस की गई कि जो उनके सेल फोन बाई अटैचिंग सर्टन कोपन विद द इनपुट फर्टिलाइजर बैग्स थे उनके साथ कोई आपके पास कोपन थे जो कोपन बंदा फार्मर डिजिटली या मोबाइल फोन के थ्रू सब्सिडी क्लेम करता था फ्रॉम दी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट फिर मेकनाइजेशन वाटर एफिशियंसी एक्सेस टू क्रेडिट और ये सारे क्या थे दीज आर द्लैन दैट इनह एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फिर इसी तरह रिसेंट पासन डिसबर्समेंट आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ दिलिटी ऑफ द्रेडिट होगी टू परचेज द इम्पोर्ट तो आपके पास जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर होगी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी दैट विल इनक्रीज फिर इसी तरह जो आपके पास मार्कअप था वहां पर भी कुछ वेवर्स दिए गए किस एरिया में जो आपके पास फ्लड इफेक्टेड एरियाज थे फिर यहां पे प्राइम मिनिस्टर बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन प्रोग्राम अगेन ऑब्जेक्टिव क्या था टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द पाकिस्तान फिर फॉर्म मेकनाइजेशन स्कीम जिसमें आप कह लें लोन डिसबर्स किए गए एट लोअर मार्कअप फिर सब्सिडीज दी गई अंडर दब्सिडीज ऑन फार्म इनपुट इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए टू लैंड टू फार्मर्स इन फ्लड इफेक्टेड एरिया जितने भी आप कहें हमने यहां पर प्रोग्राम लिस्ट किए हिस्टोरिकली देर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रोमोट द सेल्फ सफिशंसी इन फूड प्रोडक्शन वहां पर ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रोमोट द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑब्जेक्टिव क्या था टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर क्या बेसिकली बाय कैरिंग आउट ऑल दिस थ्री एक्टिविटीज वी कैन इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान